रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, हाउ आर यू? वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। बहुत सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। तकरीबन 9:30 जब मैं दोबारा सो के उठती हूँ, नमाज पढ़ने के बाद सो जाती हूँ, दोबारा जब उठी हूँ तो आज मैंने कहा कि बड़े ही दिन हो गए हैं, मैंने अपने प्यारे प्यारे लवली YouTube फैमिली से, मैं अपने दोस्तों से, अपने व्यूअर्स से, मैंने एक डेली ब्लॉग निकल करती रहती हूँ और कुकिंग का भी आपको दिखाती रहती हूँ, रेसिपीज भी, लेकिन बहुत दिन हो गए थे तो मैंने कहा चले आज क्यों ना सुबह से ही आगाज कर देते हैं नाश्ते से। नाश्ते में क्या दे रही हूँ आज, वो भी वॉशिंग मशीन में डालने हैं, बस उनको छोटे मोटे काम है, ज्यादा तो नहीं। क्लीनिंग तो मेरी बेटी खुद ही करती है, मुझे नहीं करने देती, लेकिन बाकी के जो काम होते हैं छोटे मोटे वो मैं खुद ही करती हूँ। और बिजी रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाए, आपकी कैसी गुजर रही है सर्दियाँ? सर्दियों का आगाज हो चुका है तकरीबन हर जगह में भी, और इतनी सर्दी नहीं है वैसे जैसे पहले थी, लेकिन हो चुका है। और थैंक यू सो वेरी मच, आप मेरे चैनल को इतना ज्यादा सराहते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ ऑलरेडी उनका बेहद शुक्रिया, और जो वैसे ही देखते हैं सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ उनका भी बेहद शुक्रिया, ढेरों दुआएं। लेकिन उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन तभी जाएगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो बहुत ढेरों दुआएं हैं, बहुत पुराने साथी बहुत दिनों से मुझे मिल रहे हैं, जो पहले शुरू में बहुत मेरे साथ थे, अब दो तीन दिन से मैं देख रही हूँ उनके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप सबके लिए ढेरों दुआएं हैं, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, आपको शादोबाद रखे और अपने सम्मान में रखे और इस वबा से बचा के रखे आपको आपके प्यारों से, और हमें किसी अपने प्यारे का दुख ना दिखाए, क्योंकि प्यारों का दुख देखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो उसको चलते हैं फिर नाश्ते के लिए तैयारी देखते हैं। मैं आपको शेयर करती हूँ नाश्ते में क्या करने जा रही हूँ, खाने जा रही हूँ आज कुछ डिफरेंट। तो देखिए जी, अंडा बॉईल होने रखा है मैंने, आज अंडा खाने का दिल कर रहा है, बॉइल्ड एग, और बाकी तो कोई डिफरेंट कुछ नहीं है। ऐसे आपसे मजाक कर रही थी अपनी यूट्यूब फैमिली से, डिफरेंट क्या होना है, सभी लोग खाते हैं, अंडा भी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं, चीज़ भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, डिफरेंट तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मैं आपसे कह रही थी चले फिर ये साथ साथ ये होगा, और साथ साथ मैं क्या करूँगी कि बस कपड़े मैंने डाल दिए हैं मशीन में, कपड़े तो इतने थे नहीं, इनफैक्ट यही था कि वो मैंने करना था, दो स्वेटरें थी अपने कार्डिगन तो वो धोने थे, तो मैंने कहा बाकी कपड़े इनके साथ नहीं डालती, क्योंकि बाकी कपड़े फिर वो मिक्सअप होके तो उनकी अगर फर वगैरह या बुर वगैरह होती है ना तो लग जाती है, तो चले फिर साथ साथ मशीन चला लेती हूँ, टाइम सेविंग तो हमेशा मैं करती हूँ। नाश्ते और चाय की तरफ, चाय का पानी बॉइल हो चुका है, तो इसमें डालते हैं पत्ती चीनी, वही सिंपल सी चाय जो सब बनाते हैं, मैं भी वही बनाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दो चम्मच चीनी डालती हूँ, बड़ा मग है ना मेरा, यानी दो कप के बराबर है, लेकिन पूरे दिन में एक ही बार पीती हूँ। अभी आपको इस अंडे का भी शोर आ रहा होगा, मशीन भी चल पड़ी, थोड़ा थोड़ा उसका तो एक्सक्यूज कीजिएगा। और सुनाए आपकी कैसे चल रही है लॉकडाउन डेज के दिन? और लॉकडाउन है यूके में, मेरी कोशिश होती है कि जो भी अपडेट्स हैं आपको साथ साथ देती रहूँ, इवन कि आपको पता होगा मैं वेदर की कितनी अपडेट देती हूँ ना, और वेदर अपडेट भी अभी दूंगी आपको जी, मैं आपसे कह रही थी वेदर अपडेट भी आपको देती रहती हूँ, अभी दूंगी थोड़ी देर में। चलिए जी, साथ डालते हैं इसमें चाय में दूध, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है, और टेबल पे मैंने रख दी है अपनी ब्रेड, चीज़ और मक्खन, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो बहुत वाइट कलर की चाय मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, चाय तो चाय होती है ना, मुझे दूध पत्ती और इस टाइप की नहीं पसंद, मैं हमेशा से पीती हूँ उस तरह की नॉर्मल जो होती है ना, ना बहुत काली और ना बहुत वो वाइट सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूध डाल के। इस दौरान अंडा जो है वो हो गया था, मैं इसको पानी से निकाल लिया, अब इसको छील लेते हैं, बॉयल हो चुका था, और इस तरह करके हमको इसको छील लेते हैं। सारा अंडा इस तरह छील लेंगे,
जी माय लवली यूट्यूब फैमिली, मैं आ गई हूँ नाश्ते की टेबल पे। और नाश्ते में क्या है, मक्खन और माय फेवरेट चीज़, और उसके अलावा ब्रेड के साथ खाऊंगी। और अंडा आज बॉईल किया, एक्स्ट्रा एक अंडा बॉईल किया, बस यही है। और आप सुनाएं, आप अपने नाश्ते में क्या पसंद करते हैं, मेरे से शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बताइएगा कि वेदर कैसा चल रहा है, जिस भी कंट्री से आप मुझे कमेंट करें तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि वेदर का मोस्टली तो गर्मियाँ, सॉरी सर्दियाँ ही हैं हर जगह, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि आप बताइएगा, एक मैंने हेयर कलर लिया आज, और उसका रिव्यू आपको ये देती हूँ कि आगे चल के आप देखिएगा। एक मैंने चेंज किया इस दफ़ा, क्योंकि पहले मैं यूज़ करती थी जो उनको चेंज करके, तो मैंने अब यहाँ का यूके की प्रोडक्ट है, उसका नाम है नाइस एंड इजी। तो वाकई में उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, किसी वक्त आपको मैं रिव्यू दूंगी उसका सही तरह से, जब हेयर कलर दोबारा करूंगी। इस दफ़ा मैं क्लिप बनाना भूल गई उसका। तो बाकी ये है कि बहुत अच्छा लगता है जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो इसी तरह अपने साथ मेरे साथ रहिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। और जिन्हों जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, काइंडली वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। और बहुत जल्द आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज़ है, और वो अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर रही, इंशाल्लाह ताला चंद दिनों बाद आपसे मैं शेयर करूंगी। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और यकीनन आप सब भी बहुत खुश होंगे। और यकीनन जो दूसरों की खुशी में खुश होता है, अल्लाह ताला उससे राज़ी होता है और उसे ढेरों खुशियां देता है रिटर्न में। तो बटर लगाने की कोशिश कर रही थी, काफ़ी हार्ड था तो थोड़ा थोड़ा उसको पीसीस में लगाया मैंने, और अच्छा लगता है। मतलब कभी खा लेते हैं अंडा भी, कभी नहीं भी। गर्मियों में मैं हैरान होती हूँ, सब खाते हैं लेकिन मेरे से नहीं खाया जाता, अपनी अपनी तबीयत की बात है। तो इतना तो कोई रूटीन होती नहीं, क्योंकि इतना वो उस तरह नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम होते थे, तो यहाँ तो इतने नहीं है उस तरह से काम, इजी भी हो जाता है कुछ और कुछ। वैसे भी लाइफस्टाइल हर जगह का डिफरेंट होता है, जब हम वहाँ थे और लाइफस्टाइल होता है, जब इधर आए तो और हो जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है, ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, चेंज होती रहती है। और आप मेरे साथ शेयर किया कीजिए अपने कमेंट्स में, ओके कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग्स, अच्छे लगते हैं, रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज मैंने एक अनोखे से तरीके से वो अपनी आटा गूंदने की कोशिश की है, तो बस वो एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, तो इसलिए देखिएगा और ज़रूर वो भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा इजी वे में आटा गूंदना, आगे चल के आप देखेंगे। जी चलिए जी माय यूट्यूब फैमिली, अब आपको मैं प्यारा सा लवली सा वेदर दिखा देती हूँ, वेदर अपडेट बाय बीबीसी, नहीं बिल्कुल भी बाय निशा कुजीन एंड ब्लॉग्स। आपसे मजाक तो चलता रहता है ना, हम फैमिली हैं, फैमिली के साथ तो हंसी मजाक भी होता है, बातें होती हैं। और ये देखिए बीच में छोटा सा टुकड़ा जो है ना ब्लू नज़र आ रहा है, और आगे पीछे जो है ना ग्रे, बिल्कुल काले बादल। और ट्रैफिक बहुत ही कम, यहाँ तो रास्ता नहीं मिलता था, और आप देखिए रोड दिखाने की कोशिश करिए आपको ना होने के बराबर है। और ये जो मनसूबा है वो अभी तैयार नहीं हुआ, रेल का, क्रॉस रेल का। और देखिए कम कम ट्रैफिक है, वरना तो यहाँ फुर्सत नहीं मिलती थी किसी को कि निकाल सके अपने, क्या मजाल है कोई गाड़ी अपनी निकाल सके। तो ये सूरज मियाँ भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये देखिए जी है ना, नज़र आ रहे हैं ना, सूरज भी है आज। ये है वेदर अपडेट आज की। मेरे दोस्तों, आज मेरे जहन में एक ख्याल आया। ख्याल क्या आया, मैंने सोचा कि अगर इससे केक बन सकता है तो चले आज आटा गूंद के देखती हूँ इससे। तो आज मैंने एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है। नमक डाल दिया मैंने आटे में, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं नमक को इसी तरह, और फिर इसे थोड़े थोड़े पानी के साथ भून लेते हैं। तो ज़िंदगी को जिस तरह भी आसान बनाया जा सकता है बनाना चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, साथ पानी डालिए थोड़ा सा और स्लो पे इसे चलाइए पहले सबसे स्लो पे।
ये देखें जी मेरे लवली यूट्यूबर यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, ये देखें कितना सॉफ्ट गूंदा है। अब यकीन करें कि 5 मिनट के अंदर ये हमने आटा बगैर अपने आप को थकाए गूंद लिया है, और इसको कवर करके रख देंगे आप सेट होने के लिए, जिस तरह भी आप कवर करना चाहेंगे। तो फिर देखिए कितनी अच्छी रोटी बनेगी। निकली थी अपना हेयर कलर लेने, और क्योंकि चेंज किया इस दफ़ा तो मैं वो बाय करने जा रही थी। काफ़ी दिनों से आप मेरे बाल देख रहे होंगे, अभी कार में बैठूंगी तब देखिएगा बालों का क्या हशर हुआ हुआ था, तो मैंने कहा आज ले आती हूँ। अच्छा जी, आज जा रहे हैं हम, जैसे कि कल आपको बताया था कि मेरा हेयर डाई नहीं मिला था, और एक दो चीज़ें टॉयलेट्रीज की ग्लासेस पे ना स्टीम बन जाती है। जी, ये देखिए कि आ गए हैं, हम पहुंच चुके हैं सुपर ड्रग पे, और ऑलमोस्ट हर दफ़ा इधर से ही लेती हूँ मैं हर चीज़, तो इधर से मैंने सिर्फ हेयर डाई लेना था और कुछ नहीं लेना था। तो बताइएगा आज का आपका व्लॉग कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।